देखिए, हम बात कर रहे हैं एक और एंथैल्पी, और उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ कम्बशंस। यानी ये कम्बशन एंथैल्पी है क्या? पहले डेफिनेशंस लिखिए। इट शो द ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड इन द स्टेबल ऑक्साइड्स, यानी स्टेबल ऑक्साइड्स के अंदर जो कन्वर्ट हो जाए, वही हमारे लिए, जो भी हीट ट्रांसफर हो वही हमारे लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। फॉर एग्जांपल, H2 को अगर आपने ऑक्सीडाइज करा तो इसका स्टेबल ऑक्साइड कौन सा है? H2O। कार्बन को करा तो कार्बन का स्टेबल ऑक्साइड कौन है? CO2, न कि CO या H2O2। वहाँ पर समझ में आ रहा है? तो ये हमारे लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो है, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। C2H6 को अगर आपने ऑक्सीडाइज करा एल्केन, तो ट्वाइस CO2 प्लस 3H2O। कार्बन बैलेंस है हमारे पास, हाइड्रोजन बैलेंस है, और अब लास्ट में ऑक्सीजन, 7/2, 4 3 7। बिल्कुल सही है, ये होता है हमारे लिए ΔH। इसको हम ΔH कम्बशन बोल देंगे। किसका कम्बशन होगा ये? H2 का। यहाँ ΔH किसके लिए बोला जाएगा? कार्बन के लिए। यहाँ ΔH किसके लिए बोला जाएगा? हमें यहाँ पर स्पेसिफिक करना पड़ेगा, कार्बन है तो कार्बन कौन सा है, ग्रेफाइट है या डायमंड है। तो कार्बन ग्रेफाइट पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ΔH C2H6, C2H6 गैस है, लिक्विड है, वो भी लिखना पड़ता है कई बार, अदरवाइज हम स्टैंडर्ड स्टेट ले लेते हैं उसकी। गैस रूम टेम्परेचर पे गैस में ही रहती है। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है? पहले तो ये वहाँ लग सकता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका कम्बशन पॉसिबल हो। तो एप्लीकेशंस की पॉइंट क्या होगा हमारे पास? इट इज यूजफुल फॉर दोज रिएक्शंस इन विच फॉर कैलकुलेट ΔH रिएक्शंस, फॉर दोज रिएक्शंस इन विच ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। और उनके लिए ΔH रिएक्शन की वैल्यू जो होती है वो होती है ΔH कम्बशन, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट पे डिफाइन है, तो रिएक्टेंट माइनस ΔH प्रोडक्ट कम्बशन। फॉर एग्जाम्पल, C2H2 प्लस H2, या हम यहाँ पर C2H4 प्लस H2, और हमारे पास है C2H6 गैस, ये गैस दिया हुआ है, ये गैस दिया हुआ है, और हमें इन सब के लिए कम्बशन एंथैल्पी निकाल दी गई है। फाइंड ΔH रिएक्शंस इफ ΔH कम्बशन ऑफ C2H4, H2, C2H6 रेस्पेक्टिवली कुछ भी वैल्यू दे दिया हमारे को, -400, -200, माइनस हमें दे दिया कुछ भी यहाँ पर 600। तो कैसे हम करेंगे? 600 ना दे, हमें यहाँ पर दिया है 800, तो हम कैसे करेंगे? सॉल्यूशंस, फॉर्मूला तैयार है क्या? सभी का कम्बशन पॉसिबल है, हाँ। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो ΔH की वैल्यू क्या होगी? ब्रैकेट, रिएक्टेंट कौन है?
सी टू एच फोर, सी टू एच फोर के लिए कितना दिया हुआ है -400, फिर एच टू, एच टू के लिए कितना दिया है 200, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या है सी टू एच सिक्स, ये वैल्यू आपको दे रखी है कुछ 500, तो 500 आपने कर लिया माइनस, समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपके लिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, और ये वैल्यू आपके पास आ रही है लगभग सब -100, क्योंकि ये सब आपको किलो जूल पर मोल में दिया था, तो ये वैल्यू आपको किलो जूल में आएगी। इज दैट क्लियर? तो ये तरीका बहुत सही है इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए। लिखें आप,